सबसे बड़ी बात, सबसे मज़े का खेस, जो सबसे मज़े का खेस चीज़ है ना इस जाली केस की, वो ये है कि जी एक इल्ज़ाम लगाया और बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी, इल्ज़ाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को हमारे केस में। अबे भाई, ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है, हम इल्ज़ाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं, मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है, वो कहता जी, वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनके उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो अब उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयाँ स्पीचेस चीज़ें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। भाई मतलब ये क्या, किस तरह से किस चीख चीख के क्या क्या चीज़ें बोलेंगी जब ये चीज़ समझ में आएगी कि चीज़ होगी। भाई आप FIR काटते ना, अगर एक आदमी ने रिश्वत दी और एक रिश्वत ली FIR काटते, गिरफ्तार करते उस जज को, गिरफ्तार करते उस ब्रिगेडियर को, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते। अगर हमारा ताल्लुक होता आते भाई हमें पकड़ते, उस केस में पकड़ते, इसमें तो हम बरी हो गए थे ना भाई, इसका उससे क्या ताल्लुक? क्या उस जज के सारे ऑर्डर्स आपने कलदम करार दे दिए? तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जल्द आ रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।